हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बहुत ही बेहतरीन कंपनी और कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पेयर कंपनी को लेके आए हैं, जिसके बारे में आज हम बताएंगे कि ये कंपनी किस किस कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है और कंपनी आगे क्या एक्सपेंशन देख रही है अपने प्रोडक्ट्स में और आगे इसका क्या फ्यूचर में टारगेट हो सकता है आने वाले 3 से 4 क्वार्टर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन कंपनी और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है एम्फेसिस लिमिटेड। तो आप पढ़ सकते हैं, लीडिंग अप्लाइड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी एम्फेसिस स्टैंड्स टॉल ऑन द एज ऑफ नेक्स्ट एंड पॉजिटिव डिसरप्शन विद आवर एगाइल बिजनेस प्रोसेसेस एंड इनोवेशंस। We anticipate the future of applied technology, predict tomorrow trends to keep our clients at the summit in an ever-changing marketplace, leading with architecture and design. Our next-gen solution enables enterprises to accelerate on their digital transformation journey. Emphasis की tagline आप देख ही सकते हैं, tagline the next applied. ये फ्यूचर को पहले ही अप्लाइड करने की सोचते हैं। एम्फेसिस प्रोडक्ट सस्टेनेंस एक्सटेंडिंग प्रोडक्ट लाइफ टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी ब्रेक बैरियर्स टू कस्टमर एक्सपीरियंस टुडे हैशटैग स्टे अहेड। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये किस किस इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइड करती है एंड ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बैंकिंग कैपिटल में मेन जो है ये बैंकिंग कैपिटल मार्केट में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, असेट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मॉर्गेज, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकरेज। इंश्योरेंस सेक्टर में भी ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइफ एंड रिटायरमेंट, प्रॉपर्टी एंड कैजुअल्टी। हाईटेक में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट से रिलेटेड भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन सारे सेक्टर्स में, इन सारी इंडस्ट्रीज में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ब्लॉकचेन, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, क्लाउड से रिलेटेड जो सर्विस आजकल बहुत ही अच्छी चल रही हैं, कॉग्निटिव, साइबर सिक्योरिटी, डेवलप ऑप्स, डिजिटल गवर्नेंस, रिस्क एंड कॉम्प्लायंसेस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, एंटरप्राइज ऑटोमेशन। तो ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं और भी इनके सारे सेक्टर हैं, कम्युनिकेशंस, इंजीनियरिंग यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस, पब्लिक सेक्टर, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें ये अपनी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन कंपनी एम्फेसिस इनोवेशन करती रहती है अपनी नेक्स्ट लैब के थ्रू। और अबाउट एम्फेसिस के आप सब्सिडरीज देख सकते हैं, डेटलिटिक्स को इन्होंने अभी एक्वायर किया है इस कंपनी को, एम्फेसिस वाइड, एम्फेसिस इंटेलिजेंट, एम्फेसिस जेवेलिना, एम्फेसिस डिजिटल रिस्क, एम्फेसिस डेटालिटिक्स। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी और सब्सिडरीज में माना जाए तो इनके पास में ये 5 सब्सिडरीज का भी नेट प्रॉफिट जनरेट करती हैं, इनका भी प्रॉफिट इनके पास में आता है। तो आप देख सकते हैं इसको, तो डेटालिटिक्स को इन्होंने अभी एक्विजिशन इसका किया है, डेटालिटिक्स का। आईटी फर्म एम्फेसिस गेन्ड ओवर 3% टुडे आफ्टर इट्स सब्सिडरी एम्फेसिस कंसल्टिंग एक्वायर्ड यूके बेस्ड डेटालिटिक्स फॉर अप टू 13.3 मिलियन पाउंड। डेटालिटिक्स अच्छी कंपनी है डेटा से रिलेटेड, तो ये सारा इन्होंने एक ये कंपनी और एड ऑन कर ली है अपनी कंपनी के साथ में। तो बहुत ही ये आप देख सकते हैं, एम्फेसिस एक्वायर डेटालिटिक्स ए डेटा ऑप्स स्पेशलिस्ट इन द स्नोफ्लेक एंड टेल एंड इकोसिस्टम। एम्फेसिस लीडरशिप के थ्रू तरफ इनका ज्यादा ध्यान रहता है। दी नेक्स्ट अप्लाइड, नेक्स्ट को पहले ही अप्लाई करने की सोचते हैं, सी हाउ एम्फेसिस सॉल्यूशन एंड सर्विस कैन बी कस्टमाइज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ योर बिजनेस एंड इंडस्ट्री क्रिएटिंग मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस फॉर योर कस्टमर। नेक्स्ट जेन बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुडे एंटरप्राइजेस, डिजिटल इंश्योरेंस।
तो फ्रेंड आप एम्फेसिस को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। चलिए थोड़ा सा और डीपली इस कंपनी के बारे में एनालाइज करते हैं। एम्फेसिस टॉप 10 स्ट्रेटेजिक प्रेडिक्शंस फॉर 2021 एंड बियॉन्ड, तो ये इनकी स्ट्रेटेजी है। बाय 2025 ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी विल हिट अ डिजिटल वॉल फोर्सिंग द शिफ्ट टू न्यू कंप्यूटिंग पैराडाइम। टेक्नोलॉजी नॉन ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग राइजेस 2025 तक, 30% स्टार्ट डीएनए स्टोरेज ट्रायल्स एक्सपीरियंस, 40% एट वर्चुअल एक्सपीरियंसेस प्रोडक्ट्स, 20% प्रोडक्ट फर्स्ट टस्ट बाई कस्टमर्स लीडरशिप, 25% चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स बाय प्रॉक्सी एप्लीकेशंस, 75% कन्वर्सेशंस रिकॉर्डेड एट वर्कप्लेस, 20% ऑफिस स्पेस बिकम्स चाइल्ड केयर स्पेस सोसाइटी, 30% लिसन टू वॉइस ऑफ सोसाइटी कस्टमर, 75% फ्रीलांस कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स कंटेंट, 30% प्रायोरिटाइज कंटेंट मॉडरेशन सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इन्होंने ये टॉप 10 स्ट्रेटेजिक्स का प्रेडिक्शन दिया है आने वाले 4 से 5 साल के लिए। क्रिएटिंग हायर वैल्यू लार्जर इंटीग्रेटेड डील्स, अपनी जो लार्ज डील है उनकी तरफ एम्फेसिस का ज्यादा ध्यान रहता है। लार्जर डील आप देख सकते हैं एंगेजिंग इन $25 million परस्यूट्स कंसिस्टेंटली, High percent of proactive pursuits, zero cost transformation, platform driven enterprise modernization, service transformation, operations transformation, data driven ops, drives led increased inflow of pipeline and large deal wins. इन्होंने ये large deal जीती हैं next gen ops में 20%, experience 4%, cyber security 4.9, the specialty division of Ardonagh group, UK largest independent insurance broker has signed up emphasis for digital transformation engagement, F500 global consulting professional service firm specializing in risk and insurance service chose emphasis to modernize their complex legacy platform in one of their division in a multi-year engagement. Multi-year का इनको जो मिला है यहाँ से offer, professional service firm है F500, तो उनकी तरफ से इनको multi-year का जो साथ में इनके साथ इनका जो agreement हुआ है, बहुत ही बेहतरीन आगे कंपनी का फ्यूचर दिख रहा है। Accelerated growth in direct revenue, growth आप देख सकते हैं बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। डायरेक्ट बिजनेस हैज बीन कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ कंपनी कर रही है, आगे पीछे करती हुई आई है, तो बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। हाइपर ग्रोथ सर वर्टिकल, आवर डोमेन सेंटरिंग प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस एक्सपर्टीज हैज हेल्प्ड अस इन बिकमिंग अ स्ट्रेटेजिक इनोवेटिव एंड रिलायबल पार्टनर टू एंटरप्राइज अक्रॉस इंडस्ट्री, कंप्यूटर सिस्टम एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मेडिकल डिवाइसेस कंज्यूमर टेक एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। एट आवर की अकाउंट एम्फेसिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज टेक्निकल लीडर एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट इंजीनियरिंग वर्क एंड डिजिटल इनेबलमेंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एम्फेसिस धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है, कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। प्रोग्रेशन इन क्लाइंट माइनिंग एंड लार्ज डील मैट्रिक्स, क्लाइंट की ये माइनिंग करते रहते हैं धीरे धीरे, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रोग्रेस करते हुए आपको दिख रहे हैं। इनके जो लार्ज डील हैं वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन क्लाइंट पिरामिड ड्रिवन बाई एक्सपेंशन ऑफ वॉलेट शेयर इन लार्ज क्लाइंट and consistent new client wins 2, 4, 9, 16, 35, 81। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये रेवेन्यू भी जनरेट करती हुई दिख रही है अपने जो इनके पास लार्ज क्लाइंट हैं। समरी में आप एक बार पढ़ सकते हैं, रेवेन्यू ग्रो हेल्प बाय सस्टेन्ड परफॉर्मेंस इन डायरेक्ट, आप देख सकते हैं
KPI moving in the right direction. Growth getting broad-based while continuing to drive market share gains with key clients. Building visibility in DXC beyond September 21. Using operating leverage to feed growth, operating in our target operating margin band 15.5-16.5 allow us to keep investing in the business. तो फ्रेंड्स आइए इसके थोड़ा टेक्निकल हम एक बार चार्ट देख लेते हैं एम्फेसिस का कैसा लग रहा है, तो थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं चार्ट का। शेयर अपने हाई के जस्ट करीब है और आप देख सकते हैं एफडी से ज़्यादा शेयर ने रिटर्न कमा के दिया है और डिविडेंट भी बहुत अच्छा खासा देता है। एंट्री पॉइंट गुड है, शेयर को आप परचेस कर सकते हैं। 79% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को परचेस करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। अपने सेक्टर पी से नीचे ही शेयर चल रहा है तो आप शेयर को आराम से ले सकते हैं। 2% की डिविडेंट यील्ड फ्रेंड आप देख सकते हैं, 2% की डिविडेंट यील्ड शेयर प्रोवाइड कराता है तो बहुत ही बेहतरीन शेयर है और अच्छे खासे पैसे कमा के शेयर ने दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन। आप हर एक इंडिकेटर पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा माइंडली बेयरिश है, नहीं तो आपको एवरी इंडिकेटर पे आपको बुलिश नजर आएगा। एम्फेसिस 10 की फेस वैल्यू है शेयर की, 67 की ईपीएस पे शेयर ट्रेड करता है, बुक वैल्यू 311 है। तो कुछ ब्रोकरेज फर्म इसके 2500 रुपये तक के टारगेट दे रहे हैं आने वाले नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में। डिविडेंड आप देख सकते हैं दोस्तों, 35 रुपये, 27 रुपये, 20 रुपये, 17, 20 रुपये, तो आप देख सकते हैं एवरी ईयर ही अपना अच्छा खासा डिविडेंड दे रहे हैं। धीरे धीरे डिविडेंड को ग्रो ही कर रहे हैं, 20, 17, 20, 27, 35, तो हो सकता है कि इस बार आपको 45 रुपये या 50 रुपये का डिविडेंड देखता हुआ मिले। तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कंटिन्यूस प्रॉफिट ग्रो कर रहा है और ROE 21 की ROE शेयर जनरेट करके दे रहा है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी एम्फेसिस को आप कह सकते हैं। मेरा तो इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीव है, मेरा इसमें एक्चुअली पर्सनली इन्वेस्ट भी मैंने कर रखा है एम्फेसिस में और अच्छा प्रॉफिट मेरे को आ भी रहा है। तो फ्रेंड्स आप एम्फेसिस को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, अगर आप अगर रखना चाहें अपनी तरफ से आप एक बार ज़रूर एनालिसिस कर लें शेयर का। अगर आपको ये शेयर अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है, वैसे भी आईटी सेक्टर में अच्छा काम कर रही हैं कंपनी जो आईटी सेक्टर में है और आईटी सेक्टर में वैसे भी डिमांड है, तो आप ज़रूर एम्फेसिस को एक बार ध्यान में रख के उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।